अच्छा सच बता रहा हूँ, मैंने कोरियर वालों को एक भी गाली नहीं दी। तो गाइस बॉक्स हम लोगों ने पूरा रेडी कर लिया है, मैं अनबॉक्सिंग नाइफ मेरे पास है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कट लगा लेता हूँ। मैं लाइव अपना इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने पहली बार टीवी निकाले और तो मैं देखना चाहता हूँ पैकेजिंग कैसी रखी है। तो यहाँ पर जो हमें थर्माकोल देखने को मिल जाता है और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि टीवी का स्टैंड रखा हुआ है। तो अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। आई थिंक एक और ऐसा स्टैंड यहाँ पर भी दे रखा है तो इन दोनों सेक्शन में आ जाता है। तो थर्माकोल को मैं पुल करता हूँ और थोड़ा सा टाइटली पैक्ड है। और यहाँ पर हमें टीवी रखा हुआ मिल जाता है कुछ ऐसे प्लास्टिक के अंदर। अब मुझे टीवी निकालने के लिए हेल्प चाहिए होगी तो मैं आयुष को बुला देता हूँ। तो आ जा ब्रो, इसको ऐसे स्लाइड करते हैं हम। तो टीवी जो है मैंने पूरा बॉक्स से निकाल लिया है। यहाँ पर जो है हमें दो टीवी के स्टैंड देखने को मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पर जो है थोड़ी सी मैनुअल देखने को मिल जाती है और साथ के साथ हमें रिमोट देखने को मिलता है। अब रिमोट की अनबॉक्सिंग तो बनती है यार, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि रिमोट है कैसा। इसका काफ़ी स्लीक लग रहा है, यहीं से मैं बता सकता हूँ आप लोग को। वाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। तो ये वाला रिमोट हमें रियलमी टीवी के साथ देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्लीक है और ऊपर से मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है लिटरली। तो अभी के लिए इसको भी रखते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बाकी इसके अंदर जो है हमें थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर जो है कैसे सेटअप करना है, स्टैंड कैसे लगाने हैं, तो उसकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है और साथ में थोड़ी बहुत मैनुअल दे रखी है। और यहाँ पर जो हमें थोड़ी बहुत स्क्रूज देखने मिल जाते हैं जो कि आई थिंक इसके स्टैंड लगाने में हेल्प करेंगे। तो गाइज मैं इसको पूरा सेटअप करता हूँ, फिर मैं आप लोग के पास वापस आता हूँ, फिर हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। और मेरे पीछे जो रखा हुआ है ये है रियलमी टीवी। मेरे पास आया है 43 इंच का और इसका प्राइस है 22,000 रुपये। और इसी का एक और छोटा वेरिएंट आता है 32 इंच और उसका प्राइस है 13,000 रुपये। अब जो 43 इंच है और 32 इंच है इनके अंदर एक ही मेजर डिफरेंस है, वो है रेजोल्यूशन का, क्योंकि एक टीवी है रेजोल्यूशन सबसे मैटर करता है। तो जो 32 इंच है वो है 720p और ये जो 43 है वो है 1080p, मतलब HD और फुल HD का फर्क है। वहीं पर अच्छी बात यह है कि ये एक एंड्रॉयड टीवी है, तो क्यों ना यहां पर डिस्प्ले से ही शुरू करें। अगर मैं यहां पर डिस्प्ले की डिजाइन के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं आप लोग को डिजाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फ्रंट से यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा पतले बेजल्स देखने को मिल जाते हैं और ये इसको बहुत ही मतलब अलग प्रोडक्ट बनाता है इस कैटेगरी के अंदर। लाइक प्राइस के हिसाब से तो इसका डिजाइन बिल्कुल टॉप नॉच मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो कितने कम बेजल्स है आप देख सकते हो। और अगर मैं नीचे की तरफ आप लोग को थोड़ा सा चिन दिखाऊं इसका, तो यहां पर रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही प्यारी है। लाइक बिल्कुल भी ओवर नहीं की है और काफी अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। वहीं पर मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं बेजल्स बहुत ज्यादा कम है। और वहीं पर अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करूं, तो उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमें जो है मीरटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब जो है प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर इमेज क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि वो असली प्रोसेसिंग करता है। और मीरटेक जो है टीवी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वो सच में इमेज बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर लेता है। वहीं पे अगर मैं यहां पर बात करूं, रियलमी ने इसके टॉप पे क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन भी डाला अपना जो कि थोड़े से पंची कलर्स बना देता है। बट मैंने यहां पर एक चीज नोटिस की है जो कि व्यूइंग एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत सारे लोग इकट्ठे टीवी बैठकर देखते हो, तो जो भी राइट वाला बंदा होगा फिर बिल्कुल कॉर्नर लेफ्ट वाला बंदा होगा, उसको थोड़े से कलर फेडेड नजर आएंगे। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं अगर आप इसकी डिस्प्ले को कॉर्नर से देखोगे तो मैंने कलर शिफ्ट देखा है और साथ के साथ थोड़े से मतलब एक्सपोजर में भी डिफरेंस आ जाता है, थोड़े से फेडेड लगती है हर एक चीज। तो ये एक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। वहीं पे अगर मैं यहां पर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, तो मेरे हिसाब से ब्राइटनेस इसकी बिल्कुल टॉप नॉच है। और यहां पर जो हमें पिक्चर्स मोड अराउंड 7 देखने को मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड विविड गेम वगैरह वगैरह है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अब इस प्राइस रेंज के अंदर है ना, यहां पर रियलमी ने डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर एक बहुत ही धासू चीज करके दिखाई है, वो ये कि इसके अंदर हमें HDR10 और HLG सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप ये वाला कंटेंट भी देख सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है 22,000 या फिर 13,000 रुपए के लिए। तो यहां पर थम्स अप है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा ऑडियो के बारे में। अगर मैं इस टीवी के बारे में बात करूं, तो यहां पर 24 वॉट के क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसके ऊपर जो है ना रियलमी ने अपनी प्रोसेसिंग भी की हुई है आई थिंक ऑडियो के अंदर, नो डाउट काफी ज्यादा लाउड है ये। बट मैंने ये भी चीज नोटिस किया, अगर आप बिल्कुल 100 वॉल्यूम पे सुनते हो आप इसके, तो वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो मेरे जो सेफ लगी वो 70 वॉल्यूम
70% वॉल्यूम लगी तो उसमें ना डिस्टॉर्शन आती है और लाउडनेस भी बहुत अच्छी रहती है, तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ ऑडियो की, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी ओवर प्रोसेस्ड है, तो ये चीज़ मैं फीडबैक भी देना चाहूँगा रियलमी को, अगर पॉसिबल हो तो अपडेट के साथ थोड़ा सा मतलब इसकी प्रोसेसिंग जो है, गाने सुनते समय ऐसा लगता है कि वेव सी चल रही है, तो ऐसा थोड़ी सी प्रोसेसिंग कम होती तो बहुत बेटर रहता। वहीं पे सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर ये कि डॉल्बी ऑडियो देखने को मिल जाता है जो कि एक प्रीमियम फीचर है, तो यहाँ पर एक और थम्स अप वाली बात आ जाती है। अब क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी है तो ऑब्वियसली स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवेयर बता देता हूँ। एंड्रॉइड 9 तो देखने को मिल ही जाता है और ऊपर से 8GB स्टोरेज हमें इसके अंदर बिल्ट इन देखने को मिल जाती है और 1GB रैम देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो तो बिल्कुल स्मूथ रहता है, वहाँ पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है। बट स्टिल अगर मैं स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करूँ तो क्रोमकास्ट हमें इसके अंदर बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। अब क्रोमकास्ट के अलग ही फायदे हैं भाई, अपने फ़ोन को मिरर तक कर सकते हो और अगर कोई पिक्चर आप चाहते हो सारे फैमिली बैठ के देखे अपने फ़ोन में से सीधा आप कास्ट कर सकते हो टीवी के अंदर, तो इसके तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ऊपर से अगर मैं यहाँ पर प्री इंस्टॉल ऐप्स के बारे में बात करूँ तो लाइव चैनल, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज और यूट्यूब हमें पहले से इंस्टॉल हुआ मिलता है, तो आप इन सारी ऐप्स का फायदा उठा सकते हो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज इन वगैरह की सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन टीवी के साथ नहीं मिलती है। और अच्छी एक और मेरे को इंटरेस्टिंग बात ही लगी जो कि बाकी कॉम्पिटिशन में नहीं है, कि यहाँ पर पहले से एक ब्राउजर इंस्टॉल हुआ मिलता है जो कि अच्छा खासा काम करता है, और अब क्योंकि इसके अंदर में यूएसबी पोर्ट भी देखने मिल जाता है तो आप कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हो, तो ओवरऑल ये पूरा मतलब ब्राउजिंग सिस्टम भी बन सकता है अगर आप बनाना चाहो तो। और गूगल असिस्टेंट जो है हमें बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, जो इसके अंदर रिमोट के अंदर भी इसका एक अलग से बटन है तो आप बोल के एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। बाकी थोड़े बहुत और स्मार्ट हार्डवेयर की बात करूं तो ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है और वाईफाई तो जरूर देखने को मिल जाता है। और अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा टीवी के डिजाइन के बारे में। सबसे पहले मैं स्टैंड की बात कर लेता हूं। यहां पर जो हमें प्लास्टिक का स्टैंड देखने को मिल जाता है जो कि काफी सॉलिड है नो डाउट, और हमें जो है बॉक्स के अंदर ही 4 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ईजिली इंस्टॉल हो जाते हैं, तो इंस्टॉलेशन सीरियसली बहुत ईजी है अगर आप इसको सिर्फ डेस्क पर रखना चाहते हो तो, या फिर किसी भी एक टेबल पर रखना चाहते हो तो। ऑब्वियसली माउंट के लिए तो आपको कोई ना तो कोई बुलाना ही पड़ेगा, बट मैं ये बता सकता हूं कि स्टैंड की क्वालिटी बिल्कुल मस्त है और दिखने में भी काफी कूल लगता है और मॉडर्न लगता है टीवी। और हाँ, अगर मैं यहां पर आपको इसके बैक साइड में जाकर दिखाऊं तो यहां पर भी जो है काफी सॉलिड फीलिंग आती है, थोड़ी बहुत थर्मल्स कंट्रोल के लिए भी चीजें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पर पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है और ऑडियो के लिए है, और साथ में जो यहां पर हमें अच्छी बात यह है कि ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो जो अगर आपका मॉडम आपके टीवी के पास लगा है तो सीधा लैन केबल लगा देना, उससे अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल जाती है। और वहीं पर अगर मैं रिमोट के डिजाइन के बारे में बात करूं तो हाँ, मैं इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो इस रिमोट का बैक साइड है वो काफी कर्व है जो कि सीरियसली काफी कंफर्टेबल देता है अगर आप इसको पकड़ते हो तो, मतलब कंफर्टेबल फील देता है, तो इसके लिए तो बिल्कुल 10/10 है। ऊपर से मैट फिनिश है, अलग ही प्रीमियम अट्रैक्टिव लुक देता है। अच्छी बात है कि क्विक एक्सेस के लिए बहुत सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो गूगल असिस्टेंट का क्यों ना हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी लास्ट में आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि मैं इसके साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। मुझे ओवरऑल टीवी तो कुछ ज्यादा ही पसंद आया है, बस व्यूइंग एंगल्स है जो मैंने थोड़े से माइंड में चल रहे हैं, तो ये थी कुछ चीजें जो मैंने इस टीवी के बारे में नोटिस की थी फर्स्ट इंप्रेशन में। आप लोग मेरे को कमेंट्स बताना कि आप लोग इस टीवी के बारे में क्या सोचते हो, कौन सा फीचर होना चाहिए था, या फिर कुछ मिस किया, या फिर क्या चीज अच्छी है। मैं प्लीज आप लोग का फीडबैक जानना चाहूंगा। ये कह सकता हूं कि मेरे सबसे प्राइस तो बहुत ही अच्छा है और काफी कॉम्पिटेटिव है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, और फीचर्स जो है जैसे कि HDR10 होना और HLG का सपोर्ट होना, ये काफी मेरे को अच्छे फीचर्स लगे इसके अंदर। बाकी मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो जरूर कर जाना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना है, सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग के जॉइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।